आज काय के ये आपने पुतला ध्यान किया। एक चार साल पुराने प्रकरण में बीजेपी सरकार ने 2020 के तहत राहुल गांधी के डिस्कशन कराया, मतलब आज जो केंद्र शासन केंद्र सरकार है वो विपक्ष को पूर्ण दबाना चाहती है, उसी के विरोध में आज हमने केंद्र सरकार का पुतला ध्यान किया है। ये पुतला किसका था? ये केंद्र सरकार का था। ये नारा लगा रहा था मोदी तेरी ताना छाए नहीं चले, कौन सा मोदी? ये बात जो चोर मोदी है यही तो बोला गया था। कुछ क्या बोला था? सारे चोर मोदी क्यों होते हैं? नहीं, कौन सा मोदी? नरेंद्र मोदी या और भी अन्य मोदी? पुतला कहाँ बोला? राहुल गांधी जी ने बोला था कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं, हमारा तो मोदी का था केंद्र सरकार का। तो जो मैं प्रधानमंत्री है उनका पुतला नहीं है? नहीं, केंद्र सरकार का है। नारे लगाए जाते मोदी तेरी ताना छाए नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडा देगी नहीं चलेगी, प्रतिनिधि होगा उसके नारे लगाए जाते हैं। अब केंद्र सरकार के लगाने जो प्रतिनिधि है मोदी है प्रतिनिधि, उसके नारे लगाए जाएंगे। उसके अगर अमित शाह होते तो उनके नारे लगाए जाते, या शिवराज सिंह होते उसके नारे लगाए जाते। ऐसा तो कोर्ट ने सुनाया ना? नहीं सर, ये कोर्ट ने सुनाया, लेकिन अभी उनके पास वक्त था। एक समय की एक महीने की सीमा होती है, लेकिन उससे पहले ही उन्हें बर्खास्त किया गया है। ये विपक्षी की आवाज़ को पूर्ण से दबाने का प्रयास है। एक और हमारे साथ मौजूद है युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अतीक मंसूरी जी, इनसे मालूम करना चाहेंगे कि ये आपने पुतला ध्यान कराया है और अभी यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे थे, राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तो किसके लिए चलाया गया पुतला? देखिए, राहुल गांधी जी जिस संसद के सदस्य हैं उनको संसद से निष्कासित किया गया, सीधी सी बात है। उस संसद का मुखिया, उस संसद का नेता नरेंद्र मोदी है। जिन नरेंद्र मोदी के इशारे पर हमारे नेता राहुल गांधी जी को अलोकतांत्रिक तरीके से उनको निरस्त किया गया, उन्हें स्थगित किया उस सदन से। ठीक, जिस सदन का जो नेता होगा उसके खिलाफ ही तो नारे लगाए जाएंगे। नरेंद्र पांडे जी से मालूम करना चाहेंगे, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है क्या? जो बता रहे हैं आपके साथ ही अलोकतंत्र तरीके से जो है किया गया है, कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाएगा, ये जो है भाजपा सरकार ने कराया। सर्वप्रथम तो ये जानने की जरूरत है कि आज अगर किसी व्यक्ति पर कोई लोन होता है वो जमा नहीं कर पाता है तो तमाम संस्थाएं उसके पीछे पड़ जाती है, जमीन गुर्की होने लगती है। पर ये लोग 20,000 करोड़ लेके कैसे भग रहे हैं? और जब नीरव मोदी, ललित मोदी, क्योंकि देश का इन्होंने अर्थव्यवस्था जाम कर दी है और राहुल गांधी ने उन पर सवाल किया, तो मोदी जी अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? मोदी जी कैसा काम करना ही नहीं चाहिए कि वो दूसरा चोरी करे, नाम उनके ऊपर आए। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि आज जैसे भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये पिछड़ा वर्ग का अपमान किया गया है, भाई नीरव मोदी जैन है, नरेंद्र मोदी मारवाड़ी है, और जिस विधायक ने ये आरोप लगाया है हाईकोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको घेरा है, वो खुद वैश्य प्रजाति से आए जाते हैं। और जिस विधायक ने ये आरोप लगाया है हाईकोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको घेरा है, वो खुद वैश्य प्रजाति से आए जाते हैं। ये तो पूरी तरह देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक और हमारे साथ मौजूद है रजत गौर साहब, इनका मालूम करना चाहेंगे जो ये पुतला जलाया गया है आज आपके द्वारा युवा कांग्रेस का, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देश में अलोकतांत्रिक तरीके से प्रजातंत्र की जो सरकार बनाई हुई है, जो आप हम सब लोगों ने चुनी हुई सरकार बना के भेजी है, उसमें विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। किसी भी तरह से आप विपक्ष को दबा के और कुचल कर एक तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस देश में हिटलरशाही कायम होने वाली है। तो अभी आज सचेत करने के लिए बहुत जरूरी है विपक्ष के नेता राहुल जी को। और देश में लोकतंत्र की स्थापना जो हमारे पूर्वजों ने और हमारे इन्होंने किए, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने लोकतंत्र पुनः स्थापित हो, और जल्द से जल्द हम लोग इस विपक्षी सरकार को रोन के आगे। यहाँ पर आपने देखा इस तरह से भाई पुतला जलाया गया है, कांग्रेस जनों का साफ कहना है कि अलोकतंत्र आते जा रहा है देश में, लोकतंत्र को दूर किया जा रहा है। स्वदेश न्यूज़ के लिए सोन से मेहता अफगान।